Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है फ्रैंकलिन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइस पिछले एपिसोड में तो आप लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली होगी। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने एक चैलेंज किया था जिसमें लैम्बोर्गिनी टर्ज़ो जो कि दोस्तों फास्टेस्ट कार है GTA 5 की, उसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर की। तो हम लोगों ने ये इसमें टेस्ट किया था कि भाई कितने जर्मन शेफर्ड उसमें से नॉक डाउन हो सकते हैं अगर हम 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मैं वो भी मलिबू मेंशन में जो कि दोस्तों माइकल का है, और जैसे कि मैं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे बार्स हैं अंदर ही दोस्तों, बहुत ही बड़ा है। कम से कम यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा कम से कम 3-4 फैमिली आराम से रह सकती है बहुत ही अच्छी तरीके से। स्विमिंग पूल भी दोस्तों 4-5 है और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे पास दो लग्जरी कार हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर भी। तो दो लग्जरी कार के जो नाम है वो हैं बुकाटी बोलिदे एंड लैम्बोर्गिनी टर्ज़ो अगेन। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों इनका जो है रियल लाइफ कार क्रैश टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे दोस्तों अगर हाईवे में कोई कार ठुकती है तो कितनी ज़्यादा खतरनाक डैमेज इन पे आती है और कैसे हालत हो जाती है कार की और क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये टेस्ट हम लोग नॉर्मल कार पे नहीं, वो भी लग्जरी कार पे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोगों ने। जो भी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीछे जॉर्डन की ब्रांडिंग मैंने कर दी है अपनी कार पर, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पूरी की पूरी गोल्डन कलर की कल वाली ही कार है। तो आज अगर दोस्तों अगर हाईवे में हम लोग चलते हैं तो भाई कितनी ज़्यादा इसमें डैमेज जो है आएगी वो देखना बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। और अगर दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो पर्सनल। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ट्रैक यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, अगर हम लोग यहाँ तक जाने में दोस्तों सफल हो गए, मतलब अच्छी तरीके से हम वहाँ तक पहुँच गए बिना ठोक ठोक के अगर हम वहाँ तक चले जाते हैं, तो देखते हैं उसके बाद कार की अभी आप लोग हालत देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा सही है। फुल स्पीड में हम लोग चलाने वाले हैं और टक्कर करने वाले हैं। ठीक है, कार का क्या हालत होगा, क्या फंदा गिरता है कि नहीं गिरता है और कैसी हालत हो जाती है कार की वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। पहली टक्कर हम लोगों ने अपनी ले ली है और जिसके कारण दूसरी कार तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, कांच टूट चुके हैं और तीसरी टक्कर अभी और होने वाली है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो उस कार की पहली हालत में ये हाल हो चुका है, मतलब आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक सीन है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर भाई दूसरी टक्कर भी हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, पीछे से कार को भी कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आगे से कार जो है साइज़ जो है उसका श्रिंक होता चला जा रहा है और वो एंकर कितनी ज़्यादा खतरनाक हालत में हो गई है, टायर बाहर आ चुका है और एक टायर पंचर भी हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा हाईवे में यानी कि मिलिट्री बेस पर। मिलिट्री बेस से जाते जाते दोस्तों हम लोग जो है बहुत आगे की तरफ में जाने वाले हैं और यहीं पर दोस्तों जो है हमारी मेन टक्कर होने वाली है बहुत ही तेज़ी में 500 किलोमीटर पर आवर में हम लोग जो है यहाँ पर ठुक चुके हैं। कार की हालत कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है आप लोग देख पा रहे हो भाई, रियल लाइफ कार क्रैश टेस्ट है ये, मतलब एक कार अगर ऐसी हो जाए इसमें दोस्तों लेकिन इंसान बचता नहीं है। फिलहाल दोस्तों जैसे इसमें कट्स वगैरह निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तीखे हो जाते हैं और हम लोग लास्ट में आके दोस्तों घुस चुके हैं एकदम अंदर की तरफ में। अब दोस्तों यहाँ पर कार जो है वर्क करना बंद हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं दोस्तों पीछे कर रहा हूँ आगे कर रहा हूँ कार जो है चल भी नहीं रही है। तो ये दोस्तों कार जो है ख़राब हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों अब जल्दी से मेरे को कोई कार कैरियर ट्रक या फिर दोस्तों कोई टो ट्रक लेना पड़ेगा, तभी दोस्तों मैं टो ट्रक करके मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ। ओके गाइस, फाइनली हमें जो है टो ट्रक मिल चुका है, टो ट्रक से दोस्तों उसको उठा के फिर से दोस्तों मेरे को जो है मलिबू मेंशन में लेके जाना पड़ेगा। तो ये वाला जो ट्रैक था उसमें दोस्तों भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम थी, हम दोस्तों इसको कोई रैंप वगैरह से उठाएंगे बुगाटी बोलिदे को। तो अभी दोस्तों दूसरा जो रहेगा उसमें हम लोग उसको ले, तो अभी गाइस आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि हमारी जो लैम्बोर्गिनी टर्ज़ो है उसकी हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, मतलब एक कार जो है जितनी ज़्यादा वाइड थी वो बिल्कुल क्लोज़ हो चुकी है, क्लोज़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक क्लोज़ हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार पे क्या तरफ चलते हैं वो है दोस्तों अपनी बुगाटी बोलिदे, वो दोस्तों अभी मलिबू मेंशन में ही खड़ी है। फिलहाल दोस्तों इसका जो पीछे से है वो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो आगे से जो इसका जो हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, ड्राइवर की जो सीट है वो सिर्फ बची हुई है और बाकी पूरी आगे से दोस्तों जो है क्लोज़ हो चुकी है, मतलब अगर एक टर्ज़ो बहुत गंदी तरीके से ठुकती है तो उसका ये हाल होता है। और साथ में दोस्तों अगर इसमें सिर्फ थोड़ी दो चार और बुलेट मार दी जाए तो ये दोस्तों वहीं पर जो है ब्लास्ट होने वाली है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारा ये पहला ट्रैक था, सेकंड ट्रैक में दोस्तों हम लोग जो है रैंप में जाने वाले हैं और रैंप
सबसे तगड़ा GTA 5 का विदाउट एनी मॉड्स। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर है वो रैम से अगर कोई कार गिरती है तो उसका बचना कितना ज़्यादा मुश्किल है कि नहीं है, या फिर अगर सीधी गिरती है तो क्या उसका रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे को बुगाटी बोलेरो को निकालना पड़ेगा। तो सामने की तरफ मैं बुगाटी बोलेरो अभी खड़ी हुई है जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार है और वो भी फास्टेस्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट अपनी लैम्बोर्गिनी टर्ज़ो थी, लेकिन आप लोगों ने उसका रियल लाइफ कार क्रैश देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट कार की तरफ मैं चलते हैं। भाई हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और भाई पूरा पूरा मेटल जितना भी था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, टायर भी दोस्तों पंचर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं दोस्तों बुगाटी बोलेरो की तरफ में। तो ये अपनी बुगाटी बोलेरो फिलहाल दोस्तों जब तक मेरे को रैंप पे जाना है तो मेरे को ये भी एक चैलेंज देना कि भाई इसको ठोकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर थोड़ी सी बीमारी कार पे ठुक गई तो भाई टेंट वगैरह आ जाएंगे और मैं नहीं चाहता भाई टेस्ट अगर स्टार्ट हो तो टेंट वगैरह से स्टार्ट हो। बिल्कुल प्योर गाड़ी हम लोग जो है ठोकने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर गेट हमारा ओपन हो चुका है। बुगाटी बोलेरो को मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी में लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी में जाने वाले हैं, बिल्कुल भगाते भगाते गाड़ी को लेके जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कार को मेरे को ठोकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कार यहीं ठुक गई तो भाई टेस्ट जो है नकली माना जाएगा एक तरह से और बिल्कुल इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि कार पहले ही ठुक गई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, यहाँ पर कार हम लोग पहले नहीं ठोकने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये कार जो है पूरी पूरी बैटमैन सेंटर की फीलिंग देती है। फाइनली हम लोग उस रैंप पर पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग थोड़ी सी रैंप से पहले ही टक्कर लेंगे ताकि दोस्तों कार जो है थोड़ा घुमा घुमा के गिरे। तो पहली टक्कर स्टार्ट हुई, ये देखो गाइस आप लोग यहाँ पर, ये गाइस कितनी ज़्यादा खतरनाक टक्कर हुई है। जो पीछे का एरिया है वो दोस्तों टूटता हुआ नज़र दिख रहा है, लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो अभी कि हम लोग सीधा लैंड हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा इसमें कोई जो है ख़राब बात अभी नहीं हुई है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग दोबारा से उसी वाली रैंप पे जाएंगे और जब तक ये गाइस कार टूट नहीं जाती तब तक गाइस हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल पहली ही टक्कर में जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे हो सीधी गिरी है, लेकिन पीछे बिल्कुल मुड़तोड़ सी गई है और टायर अभी भी पंचर जो है नहीं हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपना रैंप में, ओ भयंकर जाते जाते फिर मत ठुक गया माइकल, एक और कार यहाँ पर ठुक गई है। तो कार दोस्तों सबसे पहले श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा गंदी टूट चुकी है वाली कार। और अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से कूदने वाला हूँ, ये देखो गाइस सबसे भयानक वाली जंप थी और अभी लगता है ये वाली फिर से सीधी गिरेगी तो भाई क्या होगा। तो अभी गाइस पीछे का जितना भी इसका जो स्पॉइलर था वो पूरा का पूरा टेढ़ा हो चुका है। और जहाँ पर गाइस थर्ड वाली और हम लोग एक जंप ले लेते हैं, दूसरी जंप में दोस्तों उसका कुछ जो है बुरा हाल नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग इसकी कार क्रैश की हालत देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये जो थर्ड वाली वेव है इसमें दोस्तों हम लोगों ने जो है नहीं चलना शुरू किया था, मतलब आप लोग देख पा रहे हो दोनों बार वो सीधी गिरी थी लेकिन थर्ड टाइम ये जो गिर रही है वो उल्टी गिर रही है। भाई साहब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो अभी इसका लास्ट में क्या हाल होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार बात है। और उसके बाद लास्ट में दोस्तों हम लोग जो है इसमें गन फायर भी करेंगे। गन फायर अगर करते हैं गाइस तो देखते हैं फिर उसमें क्या हाल होता है। अब देखो ये चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, बूस्ट अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पे बूस्ट के जो उसके आउटलेट दिया हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन गाइस अब मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, लगता है गाइस गियर बॉक्स जो है दबा हुआ है, मैं बिल्कुल भी नहीं चला रहा हूँ सच में, मैंने जो है डब्ल्यू बटन छोड़ रखा है। लेकिन ये कार जो है ऑटोमेटिकली चली जा रही है, अब कितना चलेगी मुझे ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जैसे कि अब आप लोग जरा बूस्ट भी बिल्कुल ऑन है, लगता है गियर बॉक्स में जो गियर है वो आगे के मेटल टूटने से दोस्तों जो है बंध सा गया है। फिलहाल दोस्तों कैसे ना कैसे करके मैं इसको रोक पाया हूँ अभी, और अभी जल्दी से इस पर दोस्तों जो है हम लोग यहाँ पर अगर गन शॉट करते हैं तो देखते हैं क्या हालत होती है। बाकी आप लोग बुगाटी बोलेरो देख पा रहे हो बुगाटी कितनी ज़्यादा छोटी और श्रिंक हो गई है। और अब मैंने यहाँ पर जो है इसमें गन फायर करना शुरू कर दिया है, तो 3 से 4 गन फायर में ये भी जो है कार ब्लास्ट हो चुकी है। तो दोनों कार लग्जरी कार जो थी वो टेस्ट हो चुकी हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो कैसे लगे जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और यहाँ पर दोनों की दोनों कार का हम लोगों ने टेस्ट कर दिया, रियल लाइफ कार क्रैश टेस्ट। अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना और बने रहो चैनल पे।